गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का करारा जवाब दिया, वो भी पूरे 413 पन्नों का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट महज एक गंभीर आरोप है जो भारत, उसकी संस्थाओं और विकास के ऊपर एक तरीके का हमला है। आरोप झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया है, जिससे अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके। लेकिन ये पढ़कर हिंडनबर्ग भी चुप नहीं रहा, उसने भी पलटकर एक और करारा जवाब दिया और कहा कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और उभरती हुई इकोनॉमी है, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन साथ ही भविष्य अडानी समूह के खतरे में भी है, जिसने खुद को तिरंगे में लपेट देश को लूटने की कोशिश की। हमारी रिपोर्ट में हमने 88 सवाल पूछे थे, जिसमें से अडानी समूह ने 62 के जवाब ही नहीं दिए और एक जनरल बड़ा सा मिला जुला जवाब दे दिया। हम आपको बता देते हैं कि अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग लड़ाई का मुख्य कारण है हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट, जिसने अडानी के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे बड़े आरोप लगाए थे, जिसके चलते अडानी ने एक दिन में लगभग 20.8 अरब डॉलर की रकम गवा दी, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का पांचवा हिस्सा है। नेटवर्थ में आई इस बड़ी गिरावट के चलते गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में तीसरे से सातवें पायदान पर खिसक गए।